सबको प्रणाम और सुप्रभात। बच्चों, उपस्थित हूँ आप सबके बीच में लेकर फिर से वही विषय वस्तु, वही दीवाना दिल मस्ताने आप और परवाना हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है इंग्लिश। हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ना शुरू कर चुके हैं बच्चों, और हम लोगों ने रूल नंबर 1, कॉमा हटाओ, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ और बीच में दैट लगाओ, ये वाला पढ़ा था, इजी रूल। उसके बाद था सेकंड रूल, चेंज ऑफ टेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। और हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन तो इस कंसेप्ट का ले चुके हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का क्या महत्व है और क्यों कन्वर्ट करते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, तब की कही हुई बात को आज अपने शब्दों में किसी और को बताना। ठीक है, ये सारे रूल्स लॉजिक्स हमारे चल ही रहे हैं। हम लोगों ने रूल नंबर 2 में जिसका नाम है चेंज ऑफ टेंसेस, उस रूल में हम लोगों ने पढ़ा है प्रेजेंट टेंस का चेंज कैसे होता है पास्ट में। प्रेजेंट के 4 डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं पास्ट के 4 में, और हमने ज्योमेट्री का एक लॉजिक लगाया था, जैसे कि कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं वैसे ही प्रेजेंट का कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट बनता है, इंडेफिनिट टू इंडेफिनिट, कंटिन्यूस टू कंटिन्यूस, परफेक्ट टू परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टू परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, आज अपने को पास्ट टेंस पढ़ना है, फ्यूचर टेंस पढ़ना है और इस टेंस रूल के 3 एक्सेप्शन पढ़ना है। ठीक है, आज का मैंने सिनॉप्सिस दे दिया आपको, पास्ट टेंस के 4, फ्यूचर में 2 ही बनते हैं और 3 एक्सेप्शन है, कभी कभी टेंस चेंज नहीं भी होते हैं, एक्सेप्शन यही तो है। वैसे तो प्रेजेंट बिकम्स पास्ट है ना, वैसे तो पास्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट, लेकिन कभी कभी चेंज नहीं भी होता है एक्सेप्शनल केसेस में, तो वो 3 एक्सेप्शन भी हम लोग पढ़ेंगे। चलो बच्चों, बढ़िया है। देखो मजे की बात, मैंने आपको कुछ होमवर्क के सेंटेंसेस दिए थे, फटाफट से आपका वो मैं करा देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस थे कुछ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के 3 सेंटेंसेस थे, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला सेंटेंस था, पार्थ सेड आई वॉन्ट साइलेंस इन द क्लास। पार्थ सेड आई वॉन्ट साइलेंस इन द क्लास। झटझट करना। दूसरा था, प्रेरणा सेड, प्रेरणा सेड अनुराग इज अ टीचर, अनुराग इज अ टीचर। अर्जुन सेड, अर्जुन सेड कर्ण फाइट्स ब्रेवली, कर्ण फाइट्स ब्रेवली। अब इनके आंसर बता देता हूं मैं आपको, आंसर क्या बनेगा। पार्थ सेड आई वॉन्ट साइलेंस इन द क्लास, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बना रहा हूं यहां पे। पार्थ said that, I का ही हो जाएगा क्योंकि पार्थ के बारे में बात करें ना, पार्थ said that he wants का या want का wanted हो जाएगा, present indefinite changes to past indefinite, that he wanted silence in the class। ठीक है, प्रेरणा said इस वाले का बनेगा, प्रेरणा said that अनुराग was a teacher, खत्म। Present indefinite changes to past indefinite, इसका second form was होता है। अर्जुन said, अर्जुन said, देखो इस sentence में प्रेरणा said अनुराग is a teacher में is main verb है, हाँ तो main verb present verb के first form में है, इसका मतलब present indefinite है, इसका हमने was करा है। ठीक है, अर्जुन said Kern fights bravely, तो अर्जुन said that कर्ण KARN कर्ण fought bravely, present indefinite changing to past indefinite, easy। red color से direct speech है, black color से indirect speech है, आपको keys दे दिए। चलो भाई, अगला tense है present continuous। present continuous के 3 जो sentence बने थे फटाफट से यहां मैं लिख देता हूँ। पहला सेंटेंस था, आस्था सेड
या अगर आपकी कॉपी में लिखे हो तो मैं सिर्फ आंसर आंसर बता दूं, है ना। पर कुछ बदमाश बच्चे हैं जो लिखते नहीं है यार, करना ही पड़ेगा। आस्था सेड दे आर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, दे आर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट। 100 से ऊपर की प्रैक्टिस करी हमने एक्टिव पैसिव की, तकरीबन 100 से ऊपर की प्रैक्टिस हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की भी करेंगे। कुश सेड लव एंड आई, LUV भी लिखते हैं कोई लोग, लव एंड आई आर प्लेइंग क्रिकेट। और तीसरा सेंटेंस था मुकेश सेड, मुकेश सेड अंबानी इज अर्निंग ह्यूज मनी, अंबानी इज अर्निंग ह्यूज मनी। चलो इनके आंसर्स, आस्था सेड दैट, आस्था सेड दैट दे वर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, एज इजी एज दैट। क्रॉस चेक करते जाओ, आपके लिए लिख रहा हूं ये। कुश सेड दैट, कुश सेड दैट लव एंड ही, आई का ही हो जाए ना, कुश ने कहा था थर्ड पर्सन, कुश सेड दैट लव एंड ही आर कवर हो जाएगा प्लेइंग क्रिकेट। चलो मुकेश सेड दैट, सारे रूल लग रहे हैं हमारे बराबर। मुकेश सेड दैट अंबानी वॉज अर्निंग ह्यूज मनी, दैट्स इट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ओवर। क्रॉस चेक कर लो, मेरे हिसाब से आपके सबके, तकरीबन सबके सारे सही होंगे, है ना बच्चों। अगले टेंस पे आते हैं हम लोग। आप लोगों को अगर लिखना हो तो फटाफट से या स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्लाइड मैंने वापस ऊपर कर दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। क्रॉस चेक करना बाद में अगर आपको जल्दी लग रहा हो थोड़ा तो, वैसे ही बहुत इजी और बहुत धीरे धीरे किया है अपन ने। चलो बढ़ रहे हैं आगे, चटपट फटाफट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का पहला, दूसरा और तीसरा, और उसके बाद था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका पहला, दूसरा, तीसरा। चलो लिख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। बाय द सेट दे हैव कम बिफोर टाइम, पायल सेट दे हैव कम बिफोर टाइम। दो दो मैंने कराए थे, तीन तीन आपके प्रैक्टिस के लिए दिए थे, अब जो बचे थे तीन वो भी मैं ही करा रहा हूँ। मुदित सेट मेहनत मेरी पूरी, साथ में आप करना बस। मुदित सेट शी हैज स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स, शी हैज स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स। राव सेड राजकुमार हैज एक्टेड, हैज एक्टेड इन ट्रैप्ड, मूवी का नाम है इसलिए ई कैपिटल लिखा है। चलो इसके आंसर्स दे देता हूँ मैं आपको। पायल सेड That they had come before time. Mudit said that she had scored highest marks. मैं बोलते जा रहा हूँ थोड़ा, अगर आपको, और कलर भी डिफरेंट यूज किए हैं और डार्क यूज किए हैं, फॉन्ट के लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश भी की है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है बच्चों को तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, है ना।
यू शुड बी गुड एट टेकिंग डिक्टेशंस. तो पायल आंसर है पहले वाले का, पायल सेड दैट दे हैड, बस हैव का हैड हो रहा है सब में. मुदित सेड दैट शी हैड हो जाएगा. राव सेड दैट राजकुमार हैड एक्टेड इन ट्रैप. बाकी सेम टू सेम है, ये इजी फॉर्मेशन से सारे टेंस वाले. राव सेड दैट, लेवल धीरे धीरे कठिन होगा, बस प्रैक्टिस करा रहा हूँ. राजकुमार हैड एक्टेड इन ट्रैप. यू कांट हैव एनी एक्सक्यूजेस की समझ में नहीं आ रहा या दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैं बोलते जा रहा हूँ, है ना. राजकुमार हैज एक्टेड इन ट्रैप्ड, इसका बनेगा राव सेड दैट राजकुमार हैड एक्टेड इन ट्रैप. चलो भाई अब आते हैं लास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. मुक्ता सेड ये होमवर्क था, लाल वाला जो जो लाल अक्षरों से, वो सब होमवर्क था. मुक्ता सेड दे हैव बीन सर्चिंग फॉर राज. They have been searching for Raj. दूसरा था आनंद said, आनंद said, अभय has been jogging since morning. अभय has been jogging since morning. Daya said Abhijit has been catching the thief. Abhijit has been catching the thief. Chalo bhai iska answer dekh lete hain. Mukta said that they had been searching for Raj. Bas, bahut easy na. Agla, Anand said that Abhay had been jogging since मॉर्निंग. बस हैज बीन का हैड बीन हो जाएगा. और लास्ट दया सेड दैट अभिजीत हैड बीन कैचिंग द थीफ. चलो ये 10 मिनट में हम लोगों ने कंप्लीट किया हमारा कल का होमवर्क. आप लोगों ने क्रॉस चेक किया, मेरे हिसाब से सभी बच्चों का पूरा पूरा सही. एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भले ही चाहो तो, और फिर बाद में फिर से क्रॉस चेक लेना अगर आपको करने की इच्छा हो तो. एंड हियर वी कम टू द एंड ऑफ आवर होमवर्क. आज का नया क्या पढ़ना है? आज का नया पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट से लेके फ्यूचर टेंस तक और एक्सेप्शंस. स्टार्ट कर रहे हैं. चलो भाई नई स्लाइड पे, अनरूल्ड नॉर्मल स्लाइड. चलो रूल नंबर 2 हमारा चल रहा है. नंबर 2 चेंज ऑफ टेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. चलो मोटे मोटे अक्षरों में अच्छे से देख लो क्या रूल है पास्ट टेंस का. क्या रूल है पास्ट टेंस? तो पास्ट टेंस का रूल है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. चेंजेस टू लिखते जाओ कॉपी में मेरे साथ. चेंजेस टू व्हाट? पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस टू past perfect, past continuous changes to past perfect continuous.
पास परफेक्ट चेंजेस टू हटा दिया मैंने, इसको लिख देते हैं रिमेन्स, और पास परफेक्ट कंटिन्यूअस रिमेन्स, रिमेन्स यानी रहता है, क्या सेम, कोई चेंज नहीं होता है इसमें, पास परफेक्ट रिमेन्स पास परफेक्ट, और पास परफेक्ट कंटिन्यूअस रिमेन्स पास परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब मजे की बात देखो आप, इन दो में, पास परफेक्ट और पास कंटिन्यूअस में देर इज नो चेंज ऑफ टेंस, है ना। रटा सकता हूं मैं कि बेटा देखो पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वही रहता है, क्या वही रहता है, तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस वही रहता है। ऐसा तीन बार बुला के रटा भी सकता हूं मैं, बट दिस इज अ बैड वे ऑफ लर्निंग थिंग्स, है ना। बी इट लॉ, बी इट इंग्लिश, बी इट इकोनॉमिक्स, बी इट मैथ्स, बी इट अकाउंट्स, बी इट बिजनेस कम्युनिकेशन, बी इट एनी सब्जेक्ट, चाहे वो CA फाउंडेशन का हो, CS का हो, LLB का हो, कहीं का भी हो, MBA का हो, ऐसे पढ़ाई नहीं की जाती रट के। फिर लॉजिक लगाया जाता है। लॉजिक क्या है, देखो वहां पर हम प्रेजेंट से पास्ट में आ रहे थे, यहाँ तो ऑलरेडी पास्ट में, मतलब कहने वाले ने जो सेंटेंस कहा था वो पास्ट में ही कहा था, तो पास्ट को और पास्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में जो बात कही गई है वो पुरानी हो गई है, और जब कही गई थी तभी पास्ट में थी, और अब तो और पुरानी हो गई है, मतलब वो पहले से ही पास्ट में थी, और अब जब कह रहे हैं तो वो कही गई बात भी पास्ट हो गई है, तो पास्ट इन टू पास्ट, है ना, डबल पास्ट। तो पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट, कंटिन्यूअस में एक और पास्ट जोड़ दो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पर जो ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट है वो और कितना पास्ट होगा, जो ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस था जब कहा था तभी वो और कितना पास्ट होगा, इसलिए पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अनचेंज्ड रहते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट का और पास्ट कर दो। देखो जैसे मैंने कहा, राहुल सेड आई प्लेड क्रिकेट, तो राहुल ने कहा था, एक तो मैं आज बता रहा हूं ये बात गौरव को, राहुल ने कहा था, और राहुल ने क्या कहा था उसी के शब्दों में बोलो जरा डायरेक्ट स्पीच में, आई प्लेड क्रिकेट। तो राहुल ने ऑलरेडी जो डायरेक्ट स्पीच में बोला ये पास्ट टेंस में बोला है, मतलब राहुल ने तब जो बात कही थी तभी भी वो बात राहुल की पुरानी थी, कि मैं पहले खेलता था, ये बात राहुल ने तब की थी 10 साल पहले, यानी कि राहुल और उसके भी 10 साल पहले खेलता था, यानी कि ये बात अब कितने साल पुरानी होगी, जब आज मैं गौरव को बता रहा हूँ 20 साल पुरानी, 10 साल पहले राहुल ने कही थी, और राहुल ने जो बात कही थी वो भी कहा था कि मैं 10 साल पहले खेलता था, तो जब राहुल ने कही तब ऑलरेडी वो पास्ट टेंस थी वो बात, और आज जब मैं तुझे 10 साल बाद बता रहा हूँ कि राहुल ने क्या कहा था, तो वो बात और 10 साल पुरानी हो गई है, तो पास्ट में पास्ट का मल्टीप्लीकेशन करो तो बिकम्स पास्ट परफेक्ट, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट बिकम्स पास्ट परफेक्ट, है तगड़ी चीज। और पास्ट कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस तो अपनी जगह रहेगा, पर पास्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो बिकम्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पर पास्ट परफेक्ट का और पास्ट नहीं हो सकता, कि उसने जब कही थी तभी उसने पास्ट परफेक्ट में कही थी, तो अब इसका और ज्यादा पास्ट नहीं हो सकता है, पास्ट परफेक्ट रिमेन्स पास्ट परफेक्ट, एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रिमेन्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो इसीलिए यहाँ पे हमने बहुत लॉजिकली चेंजेस टू लिखा, लेकिन यहाँ रिमेन्स लिखा करेक्ट करके, है ना, हम पार परफेक्शन बल्कि प्रीमियम पे काम करने की कोशिश करते हैं आप और मैं हमेशा। चलो भाई, तो दिस इज हाउ द चेंजेस टेक प्लेस इन पास्ट टेंस। चलो सेंटेंस ले लें, सबसे पहले ले लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट के एग्जाम्पल्स, दो ले लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट एग्जाम्पल्स, लिख लो आप कॉपी में हेडिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस और उनके एग्जाम्पल। पहला, राकेश सेड कमा राजा आस्क्ड अ क्वेश्चन, राजा आस्क्ड अ क्वेश्चन, एक सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का। एक और ले लेते हैं डायरेक्ट स्पीच का, फिर दोनों का इकट्ठा कर लेंगे। रमेश सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रितेश मैनेज्ड द अकेडमी, ये भी डायरेक्ट स्पीच में। चलो इनका इनडायरेक्ट अपन कर लेते हैं ब्लू से, ब्लू भी डार्क कलर है, इनका इनडायरेक्ट स्पीच बना रहा हूं मैं, देखना।
राकेश सेड दैट, यहां तक तो ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा दैट, कि कहा था कि दैट राजा, अब पास्ट इंडेफिनिट है, आस्क्ड सेकंड फॉर्म, तो ये थर्ड फॉर्म में जाएगा और पास्ट पास्ट परफेक्ट में तो हैड आता है, इसका बन जाएगा राकेश सेड दैट राजा हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन। अब समझ में आया कि वर्कशीट नंबर 8 का, 8 का क्या महत्व था, वर्कशीट नंबर 8 जो मैंने टेंस पढ़ा के टेंस की प्रैक्टिस कराई थी वो यहां काम आ रही है ना, कैसे कन्वर्ट करते हैं टेंसेस को। तो राकेश सेड दैट राजा हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन, ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच है, परफेक्ट आंसर। रमेश सेड, तो इसका बन जाएगा रमेश सेड दैट, सर वो आपको अभी ये तो बता ही नहीं रहे हो कि रमेश, वो ऐसा सेड का सेट टू का टोल्ड हो जाता है, हमको स्कूल में पढ़ाया था, मैं क्रम दर क्रम जा रहा हूँ, मेरे पे विश्वास रखना है ना, बिल्कुल अपन वो परफेक्टली वो सब कुछ करेंगे जो जरूरी है ना। वो सर वो ऐसा भी होता है ना, रमेश टोल्ड महेश, तो वैसा तो आपने एक भी नहीं बनाया अभी तक, जानबूझ के नहीं बनाया है ना, क्रम दर क्रम एक एक परत खोलेंगे, अभी जो चीज पढ़नी है उसके एग्जाम्पल बना रहा हूँ, फिर सेट टू का टोल्ड वाले भी बनाऊंगा, सेट टू का आस्क्ड वाले भी बनाऊंगा है ना, इंक्वायर्ड एक्सक्लेम्ड है ना, तो वो सब तरह के सेंटेंसेस हम लोग करने वाले हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। बाय द टाइम वी एंड दिस टॉपिक ऐसा एक पहलू नहीं होगा जिसके हमने चीरफाड़ नहीं की हो, जिसका धागा नहीं उधेड़ा हो है ना, कोई सब्जेक्ट पढ़ो पूरी तह तक जाओ और उसको पूरा निपटा के आओ, खत्म करो, ठीक है बच्चों। चलो देखो, रमेश सेड दैट, आगे क्या, दैट रितेश हैड मैनेज्ड द अकेडमी, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का एग्जांपल। चलो अगले टेंस पे आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस के लिए दो एग्जांपल हुए, ये एग्जांपल वन ये उसका आंसर, ये एग्जांपल टू ये उसका इनडायरेक्ट स्पीच। चलो अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे, पास्ट कंटिन्यूअस के दो एग्जांपल लो, पहला दूसरा। चलो पहला लिखो, अतुल सेड आराध्या वॉज थ्रेटनिंग द एनिमीज, नई वर्ब ली जानबूझ के, थ्रेटन यानी धमकाना, अतुल सेड आराध्या वॉज थ्रेटनिंग द एनिमीज, दुश्मनों को धमका रही थी आराध्या। और दूसरा अभय सेट ऐश्वर्या एंड अभिषेक वर वॉचिंग द वेब सीरीज, ऐश्वर्या एंड अभिषेक वर वॉचिंग द वेब सीरीज। अच्छा किसकी, अभिषेक बच्चन की खुद की, ब्रीथ इनटू द शैडोज। चल इसका आंसर, ये डायरेक्ट स्पीच है, अब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, बहुत आसान है बच्चों, अतुल सेड दैट हो जाएगा ठीक, फिर आराध्या अपनी जगह रहेगी, आराध्या अब वॉज थ्रेटनिंग है ना, प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन आता है वॉज की जगह, अतुल सेड दैट आराध्या हैड बीन, फिर वर्ब का एनजी फॉर्म ही रहेगा, हैड बीन थ्रेटनिंग द एनिमीज, परफेक्ट आंसर, खत्म। सेकंड वाले का आंसर, अभय सेड दैट ऐश्वर्या एंड अभिषेक वर की जगह हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन वॉचिंग द वेब सीरीज, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच, बिंगो। आया समझ में अच्छे से, पास्ट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एज इजी एज इट अपीयर्स, ये उतना इजी है जितना ये नजर
आ रहा है, बहुत इजी है। चलो अब ले लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स, और ये बहुत इजी चेंज है। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट रिमेन्स पास्ट परफेक्ट, ये चेंज ही नहीं होता है। एग्जाम्पल नंबर वन, चलो अच्छा, एग्जाम्पल नंबर वन, प्रतीक सेड प्रिया हैड प्रिपेयर्ड द पेपर। चलो दूसरा एग्जाम्पल, प्रार्थना सेड प्रवेश एंड प्रतिमा हैड पुट द पेन डाउन। ये थोड़ा पी शब्द की, पी लेटर की पुनरावृत्ति की, पी की पुनरावृत्ति है ना, ये प्रोज का अनुप्रास अलंकार है, प्रोज गद्य का। इट्स इंटरेस्टिंग एंड इट्स क्रिएटिव, दैट्स व्हाई, है ना। वर्ब तो कुछ भी बना सकते हैं, पर कोई पर्टिकुलर वर्ड ले लो, आपको एक लेटर ले लो तो फिर नई वर्ब आते थे, पुट याद है बहुत दिनों बाद, प्रिपेयर, नहीं तो हम वही क्लाइंबिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, ये चलती रहती, ईटिंग चॉकलेट्स, राइटिंग अ लेटर। चल तो प्रतीक सेड प्रिया हैड प्रिपेयर्ड द पेपर, पेपर बनाना होगा एग्जाम का, प्रिपेयर करना होगा। चल इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगी, ये दोनों डायरेक्ट स्पीच हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो प्रतीक सेड, कोई कोई प्रतीक में आई लगाते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, प्रतीक सेड दैट, प्रिया का पी कैपिटल प्रॉपर नाउन, हैड का हैड ही रहेगा, प्रिपेयर्ड द पेपर भी वैसा का वैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट रिमेन्स पास्ट परफेक्ट, चेंज ही नहीं होता, तो बस कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटा के दैट लगाना है, बाकी वर्ड टू वर्ड सेम, प्रतीक सेड दैट प्रिया हैड प्रिपेयर्ड द पेपर। उसी तरह से यहाँ पे होगा, प्रार्थना सेड दैट प्रवेश एंड प्रतिमा हैड पुट द पेन डाउन, पेन को नीचे रख चुके थे। प्रार्थना सेड दैट, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हट जाएगा, उसके जगह दैट आ जाएगा, बाकी वर्ड टू वर्ड सेम रहने वाला है, इजी। चल अगला टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो भैया इसका पहला सेंटेंस एग्जाम्पल ले रहे हैं, दो दो बहुत है ना। पहला, जिज्ञासा सेड जिग्नेश हैड बीन जगलिंग द बॉल, देख रहे हो। सेकंड, ये डायरेक्ट स्पीच, सेकंड जीवन सेड कॉमा जयेश हैड बीन जंपिंग इनटू द रिवर। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट बनाएंगे। जिज्ञासा सेड जिग्नेश हैड बीन जगलिंग द बॉल, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जीवन सेड जयेश हैड बीन जंपिंग इनटू द रिवर, हैड बीन जंपिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका क्या बनेगा? नो चेंज, सिर्फ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा, एज इज एज इट सीज एज इट अपियर्स। जिज्ञासा
आंसर लिख रहे हैं अपन, जिज्ञासा सेड दैट जिग्नेश, अगर मेरे कोई गुजराती भाई बहन हो तो फिर उनके लिए जिग्नेश, जिग्नेश अदरवाइज जिग्नेश, तो जिज्ञासा सेड दैट जिग्नेश हैड बीन, सेम टू सेम, हैड बीन जगलिंग द बॉल, फुल स्टॉप, इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस था। जीवन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दो, दैट जयेश हैड बीन जंपिंग इनटू द रिवर, सेम टू सेम, बस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाना है, एकदम परफेक्शन के साथ। दो दो की प्रैक्टिस हो गई, मतलब हमारे ये 8 सेंटेंसेस हो गए, ठीक, पास्ट टेंस के 8 सेंटेंस और प्रेजेंट टेंस के 20 सेंटेंस, 28 तो यही हो गए हमारे, है ना, और भी ज्यादा ही हो गए होंगे, एक दो इसके पहले भी पढ़ाए होंगे, तो 30 के आसपास तो हो ही गए हैं, धीरे धीरे करते करते 100 के ऊपर पढ़ाने, मुझे आपको मिनिमम टारगेट रहता है 100, क्योंकि पार प्रीमियम जाना है, 100 यानी कि पार, 90 यानी कि डिस्काउंट, और 100 से ऊपर यानी प्रीमियम, तो अपने को प्रीमियम की कोशिश करनी, ठीक। तो क्या करेंगे कि अब मैं इसके होमवर्क भी दे दूंगा आपको, तीनों ही टेंसेस के, एटलीस्ट आप देखो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई चेंज नहीं है, इसलिए इसका होमवर्क करने को विशेष मतलब नहीं, इसकी दो दो की प्रैक्टिस कर ली बहुत है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस का मैं होमवर्क जरूर दूंगा आपको, फिर कह रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस का होमवर्क दे के जाऊंगा। अभी अपन फ्यूचर टेंस पे आते हैं, पास्ट टेंस पूरा हो गया, पास्ट के चारों इंडेफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, चलो फ्यूचर टेंस पे आते हैं। फ्यूचर टेंस में कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है फ्यूचर टेंस में, विल का वुड करना है और शैल हो तो शुड करना है, दैट्स इट। खत्म, बाकी सब सेम रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाना है, और जहां विल हो वहां वुड करना है, शैल हो वहां शुड करना है, खत्म, देख लो। चलो बना देते हैं सेंटेंस, चलो पहला सेंटेंस एग्जाम्पल, ही सेड राज विल विजिट इंडिया, और बनाते हैं, ही सेड राज विल बी विजिटिंग इंडिया, क्लैरिटी के लिए मैं एक से बना रहा हूं, ही सेड राज विल हैव विजिटेड इंडिया, और चौथा, he said Raj will have been visiting India। अब देखो ये चारों टेंस कौन कौन से हैं, पहले वो लिखता हूँ ब्रैकेट में, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट, ये है फ्यूचर कंटिन्यूस, सेम सेंटेंस है उसके चारों अलग अलग टेंस ले लिए फ्यूचर के, ये है फ्यूचर परफेक्ट और ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। और एक और खास बात, ये चारों ही डायरेक्ट स्पीच में है। चल अब इनके इनडायरेक्ट बनाते हैं, और क्या होगा देखना, ध्यान से देखना कि कर क्या रहा हूं मैं, आपको लगेगा कि अरे ये तो कुछ करा ही नहीं है, ही सेड दैट राज वुड
visit India. He said that, comma inverted comma हटाया है, उसकी जगह that लगाया है, will का would किया है पहले वाले में. नीचे वाले में क्या किया अब आप देखना. हाँ मैं नहीं बोलूंगा. He said that Raj would be visiting India. तीसरा, he said that Raj would have visited India. He said that Raj would have been visiting India. Indirect speech. I for indirect. Oh gosh, sir. This seems to be very easy. This is fabulous. कुछ भी नहीं करना है. Will का word खत्म. अच्छा shall का भी तो बना दो सर एक आध. Shall का बनाए थे. देखो. Priya said, comma. या I said करते हैं. वो ज़्यादा better होगा. I said, comma. I shall play cricket. ये डायरेक्ट स्पीच है ठीक. फ्यूचर टेंस चल रहा है हमारा. एग्जांपल, आई सेड आई शैल प्ले क्रिकेट. इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा. आई सेड दैट आई शुड प्ले क्रिकेट. इनडायरेक्ट. दूसरा, वी सेड we shall arrange a party. तो इसका इंडिरेक्ट बनेगा we said that we should arrange a party. डायरेक्ट इंडिरेक्ट शुड हो गया ठीक. शैल का शुड हो जाएगा. बाकी सेम टू सेम है. तो क्या देखा आपने. आपने देखा ये जो मैं अब आपको दिखा रहा हूं. आपने देखा ये कि फ्यूचर टेंस के जो चार विंग्स होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. देखना हाँ क्या करा अपन. चार्ट में समझ में आ जाएगा. इन चारों में क्या करना है. इन चारों में ही क्या करना है. इन चारों में विल को वुड बना देना है और शैल को शुड बना देना है. बाकी का रिमेन्स अनचेंज. बड़ा मजेदार वर्ड बन गया सेंटेंस. रिमेनिंग रिमेन्स अनचेंज. बाकी सब अनचेंज है. जहां विल है वहां वुड आ जाएगा, जहां शैल है वहां शुड आ जाएगा, और वो हमारा दैट वाला रूल तो लगेगा ही लगेगा. इसके साथ साथ कॉमा एंड इन्वर्टेड कोटेशन मार्क्स हट जाएंगे और दैट उसकी जगह आ जाएगा. ये वाला रूल तो लगना ही लगना है. बस इतना सही तो रूल है फ्यूचर टेंस का. मतलब फ्यूचर टेंस में कोई रॉकेट साइंस नहीं है. कोई बिल्कुल लैंग्वेज कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं. वो पूरी इजी रहती है. चलो भाई, इजी वे टू अंडरस्टैंड फ्यूचर टेंस. एग्जांपल ले लें. अब देखो फ्यूचर इंडेफिनिट के दो, कंटिन्यूस के दो, परफेक्ट के दो, परफेक्ट कंटिन्यूस के दो, तो बोरिंग हो जाएगा है ना. चीजें जब बहुत ज्यादा इजी हो तब बहुत ज्यादा उसको स्ट्रेच करना भी ऑकवर्ड होता है. जहां जरूरी है वहां जान लगा दो, ज्यादा सेंटेंस ले लो है ना. जैसे प्रेजेंट के सब चेंज हो रहे थे तो अपने सबके चेंज किए. ये तो बहुत इजी एकदम फुद्दू है. फिर ऐसा ना हो कि आप भी बोर हो मैं भी बोर हूँ. क्या मतलब. वी शुड ऑलवेज अवॉइड गेटिंग बोर्ड. जहां जरूरत हो वहां पर ट्रिपल मेहनत करनी चाहिए. जहां नहीं हो वहां फालतू की बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. दिस इज प्रोफेशनलिज्म.
चलो तो ओवरऑल एक काम करते हैं, मजेदार, जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिया था वैसा एक सेंटेंस लेते हैं, कोई भी एक जिसको जिसके चारों के डायरेक्ट बनाएंगे और चारों के इनडायरेक्ट बनाएंगे बस। तो कुल ऐसे हमारे चार सेंटेंस के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कर लेते हैं, तो वो प्रैक्टिस हो जाएगी वंस एंड फॉर ऑल। एक ही सेंटेंस ले लेते हैं कोई सा, लेते हैं अपन, चलो फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल। कृति सेड कशिश विल कीप द कंटेनर। कृति सेड कशिश विल कीप द कंटेनर। ठीक, अब इस एक सेंटेंस के अपन चारों बना लेते हैं पहले। कृति सेड कॉमेंटेड कॉमा कशिश विल बी कीपिंग द कंटेनर। कृति सेड कशिश विल हैव केप्ट द कंटेनर। और कृति सेड कॉमा कशिश विल हैव बीन कीपिंग द कंटेनर। लाजवाब, ये चारों डायरेक्ट स्पीच हैं, इन चारों के इनडायरेक्ट हम बनाने वाले हैं। चलो भैया आओ राजा। कृति सेड दैट कशिश वुड कीप द कंटेनर, इनडायरेक्ट स्पीच ओवर। चलो, कृति सेड लाइफ शुड बी फुल ऑफ फन गाइस, दैट कशिश वुड बी कीपिंग द कंटेनर। कृति सेड दैट कशिश वुड हैव केप्ट द कंटेनर एंड कृति सेड दैट कशिश वुड हैव बीन कीपिंग द कंटेनर। ओवर एंड आउट दिस साइड चार्ली। पूरा भैया, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। प्रेजेंट टेंस ओवर, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। पास्ट परफेक्ट रहता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहता है, पास्ट टेंस ओवर। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का कंडीशनल हो जाता है। तो जब भी विल का वुड करते हैं या शैल का शुड करते हैं उसको बोलते हैं कंडीशनल। तो फ्यूचर टेंस बिकम कंडीशनल टेंस। वापिस बोलता हूं, फ्यूचर टेंस बिकम्स कंडीशनल। तो कंडीशनल के लिए क्या करना है, बस सभी फ्यूचर, चारों फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों में ही जहां विल है वो कंडीशनल हो जाएगा यानी वुड हो जाएगा, और शैल है तो वो कंडीशनल हो जाएगा यानी कि शुड हो जाएगा। विल इंटू वुड, शैल इंटू शुड, एंड द रिमेनिंग टेंस रिमेन्स द
सेम द फॉर्मेट डजंट चेंज, हाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लग जाएगा उसकी जगह, दैट्स इट। फिर रिवाइज कर दिया शॉर्ट में, अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं इसके बाद। हाँ मैंने कहा था मैं पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कंटिन्यूस के तीन तीन सेंटेंसेस दूंगा होमवर्क के, वो जरूर आज दूंगा, चलो। पर इसके एक्सेप्शन भी तो पढ़ाने का मैंने कहा था आपसे, पर एक्सेप्शन मेरे हिसाब से अपन लोग कल पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि एक्सेप्शन पढ़ने में थोड़ा टाइम भी लगेगा और अच्छे से समझना भी पड़ेंगे हमको एक्सेप्शंस, है ना। उसके कुछ एग्जांपल ज़्यादा भी लूंगा मैं एक्सेप्शंस के, है ना, मतलब दो दो नहीं तीन तीन चार चार एक्सेप्शन के एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे, तो उसको अपन लोग कल करते हैं, चलो। तो आज तो होमवर्क के तीन सेंटेंसेस ले लो आप, सिर्फ दो के होमवर्क दूंगा मैं, पास्ट इंडेफिनिट के और पास्ट कंटिन्यूस के। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आई ऑलवेज फेल्ट रिलक्टेंट इन यूजिंग ब्लैक कलर, बट बच्चों का कहना था कि सर थोड़ा सा डार्क लिखिए, डार्क पेन यूज की, तो मैंने ब्लैक यूज करना स्टार्ट किया। पास्ट इंडेफिनिट के एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं आपको, पहला लिखो, राहुल सेड कॉमन वेटेड कॉमा, रोहन केप्ट द सीक्रेट विथ हिम, रोहन केप्ट द सीक्रेट विथ हिम, ये पास्ट इंडेफिनिट है, आपको कायम में चेंज करना है, आपको पता है। सेकंड, रवि सेड राधा एंड रम्या लिव्ड टुगेदर, राधा एंड रम्या लिव्ड टुगेदर। ये तीन सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के हैं, अब पास्ट कंटिन्यूस के ले लो इसके बाद। तीन सेंटेंस, पहला, आशय सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अंशुमान वॉज आर्ग्यूइंग विद द टीचर। और नाम बिल्कुल मायने नहीं रख रहा है, आपको अगर ए से कोई और अच्छा नाम लगता हो तो वो लिख लो। आशय सेड अंशुमान वॉज आर्ग्यूइंग विद द टीचर, अली सेड आलिया वॉज मिसबिहेविंग विथ हर स्टाफ, आलिया वॉज मिसबिहेविंग विथ हर स्टाफ, और लास्ट, अश्मीत सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अपर्णा वॉज एडजस्टिंग द एसी टेम्परेचर। वाह भाई, तीन सेंटेंसेस है आपके लिए, तीन पास्ट इंडेफिनिट के, जिनके आपको एक्सरसाइजेस करनी है। ये सब डायरेक्ट स्पीच के हैं, आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, नो कन्फ्यूजन भाई लोग और बहनों, और आपको इनका इनडायरेक्ट बना के लाना है। अब मैं ये स्लाइड कल यूज करूंगा ऐसा कैसे आप लोगों का लिख के खत्म करने के लिए, ठीक। होमवर्क एक्सरसाइजेस हैं, चलो भैया ये आपको चेंज करना है, और ईडीएम नहीं दिए हैं तो दो एक दिन से शायद ईडीएम ले लो, कुछ दो तीन ईडीएम्स एंड देन विल कंप्लीट दिस। ईडीएम ऑफ द डे, थोड़ा बहुत दूसरे कलर भी यूज करेंगे, है ना, कभी कभी ऐसा मत करना। चलो ये भी डार्क ही कलर है, ग्रीन। चलो आज का ईडियम लेते हैं, बढ़िया सा लिखो। पहला, टू क्रॉस सॉर्ट्स SWORDS। दूसरा लिखो, आई वॉश EIEWASH। इनके मीनिंग लिखाऊंगा, पहले लिख लो। तीसरा लिखो, अ फिश आउट ऑफ वाटर। और चौथा लिखो,
तो ग्रीस 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 होता है ना, शटर में लगाते हैं, गाड़ी में डालते हैं, तो ग्रीस वंस पाम्स या पाम सिंगुलर भी लिखा तो चलेगा, इनके मीनिंग लिखो। तो क्रॉस सोर्ड्स मीनिंग लिखता हूँ मैं ब्लू से, तो क्रॉस सोर्ड्स इसका मीनिंग लिखो टू फाइट, टू फाइट, टू क्वारल। आई वॉश का लिखो मीनिंग डिसेप्शन, डिसेप्शन यानी कि धोखा। अ फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स इन अ इन एन अनइजी पोजिशन, इन एन अनइजी पोजिशन। और टू ग्रीस वंस पाम का लिखो टू ब्राइब समवन, यानी कि टू गिव ब्राइब। चारों का यूसेज करके बताता हूँ। टू क्रॉस सॉर्ड्स मतलब इंडिया इज क्रॉसिंग सॉर्ड्स विद पाकिस्तान एट दी कश्मीर या फॉर कश्मीर, तो इंडिया पाकिस्तान के साथ फाइट कर रहा है कश्मीर के लिए। क्रॉस यानी कि तलवार है, ये सामने वाले की तलवार है अपने अपने हाथ में, पर जब वो एक दूसरे पे वार करते तो कैसी हो जाती है, ऐसी यूं टकराती है। गर्व प्राइड एंड ऑनर मूवी सलमान खान की ऐसे करता है वो, तो ये तलवार है, ये दो तलवारें आपस में टकरा रही है से। तो टू क्रॉस स्वॉर्ड यानी कि दो लोगों के बीच में झगड़ा हो। और यस्टरडे राहुल एंड रोहन वर क्रॉसिंग द स्वॉर्ड्स एंड आई हैड टू इंटरवीन एंड पैसिफाई देम, कि भैया शांत हो जाओ, है ना। तो देवर फाइटिंग, टू फाइट, कितना अच्छा लगता है। यस्टरडे राहुल एंड रोहन वर फाइटिंग, एक सिंपल सेंटेंस। और आप बोलते हो यस्टरडे राहुल एंड रोहन वर क्रॉसिंग द स्वॉर्ड्स एंड आई हैड टू इंटरवीन एंड पैसिफाई देम, पैसिफाई यानी कि उनको शांत करना, क्या बढ़िया सेंटेंस है यार। अगला है आई वॉश, तो ऑल द क्लेम्स ऑफ द कंपनी वर एन आई वॉश एंड द प्रोडक्ट इज ऑफ वेरी बैड क्वालिटी। कंपनी के सारे दावे और एडवर्टीजमेंट धोखा थे, डिसेप्शन थे। आई वॉश यानी आंख में धूल झोंकी एक तरीके से, और हमको धोखा दे दिया, प्रोडक्ट बहुत ही घटिया क्वालिटी का है, आई वॉश है ना। देर आर सर्टन पीपल हु इंडल्ज इन टू द प्रैक्टिस ऑफ आई वॉशिंग अदर्स, है ना, जो धोखा देते हैं। अ फिश आउट ऑफ वाटर, अब मछली पानी में तो कंफर्टेबल है, और पानी से बाहर निकाल दो तो बहुत ही अनईजी हो जाती है, तड़पती है, थोड़ी देर में मर भी जाती है। तो अ फिश आउट ऑफ वाटर, तो व्हेन यू व्हेन आई वेंट टू गोवा आई कुड नॉट फाइंड अ प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट एंड आई वॉज लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, है ना, इन एन अनईजी पोजिशन, क्योंकि आप खाते नहीं हो कहीं पे भी नॉनवेज, अगर आप खाते नहीं हो और अगर नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन मिक्स होटल में भी आपको खाना नहीं जमता है, नहीं खाते हो, यू टेंड टू फील लाइक अ फिश ऑफ वाटर। देन फाइनली वी फाउंड वन एंड हैड गुड मील, गुड लंच, बट देन द थिंग इज यू टेंड टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। और कहीं भी यूज कर सकते हो आप इसको। फिर टू ग्रीस वंस पाम, ग्रीस यानी अब ग्रीस चिकनी चीज है, तो किसी की हथेलियों पे चिकनी चीज लेना यानी कि ब्राइब देना किसी को, हाथों को चिकनाई देना यानी कि हाथों की हाथों पे मक्खन लगाना यानी कि काइंड ऑफ हाथों पर रिश्वत देना। व्हेन वन गोज टू अ गवर्नमेंट ऑफिस ही हैज टू ग्रीस द पाम्स ऑफ द ऑफिशियल्स टू गेट हिज वर्क डन, है ना। पीपल विथ हाई मॉरल वैल्यूज डू नॉट ग्रीस द पाम टू गेट देयर वर्क डन, ये भी एक सेंटेंस है। जिनके हाई मॉरल वैल्यूज होती है वो किसी को ब्राइब नहीं देते अपना काम कराने के लिए, होगा तो होगा नहीं तो नहीं होगा। तो दीज आर गुड इडियम्स विच यू कैन मेक यूज ऑफ इन योर रूटीन लाइफ, इन योर डेली लाइफ। गाइज यू हर्ड मी सो पेशेंटली, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू पीपल, शैल बी मीटिंग यू टुमारो, टिल देन इट्स अ बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।